अगर आपके एलईडी बल्ब खराब हो जाते हैं तो उसे फेंकना नहीं है, बड़ी आसानी से आप खुद इसको रिपेयर कर सकते हो। तो मैं आज आपको यही सिखाऊंगा बहुत ही आसानी से। तो इसमें क्या होता है, ये चिपकाया हुआ होता है तो कई बार ये खुल जाता है। ये मैंने खोल के रखा हुआ था तो ये देख सकते हो, इसे यूं मुड़ने पर बड़ी ताकत लगती है, अंदर से चिपकाया हुआ होता है तो कभी कभी खुल जाता है। अगर नहीं खुलता है तो कैसे खुलते वो भी सिखाता हूँ। तो ये खोले हुए दो है और ये बिना खुला हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसे कुछ नहीं करना है, एक दीवार का सहारा लेना है इस तरीके से। दीवार के सहारे रखने के बाद में यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लगाना है, दीवार का सहारा जरूर लेना वरना एक नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ से स्क्रू ड्राइवर लेके हल्के से इस तरीके से यूं बाहर निकालने पर आपको ये बड़ी आसानी से बाद में निकल जाएगा। आप देख सकते हो ये थोड़ा बाहर आ गया। तो दीवार का सहारा बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना दीवार के सहारे ये काम नहीं हो सकता है। उसके बाद में ये सब थोड़ा सा बाहर आ जाए तो फिर यहाँ चाकू लग जाएगा। तो इस तरीके से बाद में ये आप देख सकते हो अभी भी चिपका हुआ है, तो ये बड़ी आसानी से बाद में निकल जाता है। ये अंदर से चिपकाया हुआ होता है, ये आप देख सकते हो चिपकाया हुआ है, ये ट्यूब से चिपकाया हुआ होता है। तो आपको एक स्क्रू ड्राइवर से इस तरीके से थोड़ा दबा के बाहर की तरफ खींचना है और बल्ब को थोड़ा थोड़ा घुमाते रहना है और इस तरीके से आपको दबा के पुश करते रहना है। पूरे बल्ब में इस तरीके से हो जाने के बाद स्क्रू ड्राइवर को थोड़ा ज़्यादा जोर से दबाना है तो ये अपने आप निकल जाता है बड़ी आसानी से। तो ये तरीका है, सभी तरफ गोल गोल घुमा के इस तरीके से पुश करने के बाद जब आप ज़्यादा जोर देते हो तो बल्ब बड़ी आसानी से निकल जाता है सही सलामत। चिपकाया हुआ तो होता ही है। अब इसमें करना क्या है, आप देखोगे इसमें तो कोई जगह पर चिप्स है ही नहीं जहाँ पर आप चेक कर पाओगे। तो आप जरा जूम करके दिखाओ अच्छे से, ये जो दो पार्ट से दो लाइन लगी है यहाँ पर देखो, एक ए लाइन और एक ए लाइन, ये प्लस माइनस की लाइन होती है, ये दो, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बारीक से कॉपर दिखेगा आपको, थोड़ा पित्तल दिखेगा। जूम करके दिखाओ, सब में होता है, दो साइड में दो पित्तल की लाइन दिख रही है देखो ये। तो ये पित्तल की लाइन को आपको टच करना है बारी बारी, कैसे मैं सिखा रहा हूँ। ये लाइन दिखनी चाहिए आपको, पहले ये लाइन नहीं दिखेगी, आप सोचोगे कि मुझे टच कहाँ करना है, तो आपको ये जो पित्तल की लाइन दिखा रहा हूँ मैं, यहीं पर टच करना है। ये बल्ब स्टार्ट है, आप देख सकते हो ये शुरू वाला है और इसमें हल्की सी लाइट आ रही है, आप देख सकते हो। तो अब करना क्या है, ये एक वायर है, ये थोड़ा हार्ड वाला वायर है, ये नॉन फ्लेक्सिबल वायर है, एकदम पतला वायर ही लेना है। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़ा हार्ड है, नॉन फ्लेक्सिबल वायर है। और ये हमारे जो टीवी का केबल आता है ना, ये इसका वायर है, आप देख सकते हो यहाँ पर दूसरा वायर भी है और ये भी है। हमें इसकी ज़रूरत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहो तो यहाँ पर सेलो टेप भी लगा सकते हो, सिर्फ इतने कोनों की ही ज़रूरत है। तो ये हमारे जो डिश टीवी होते हैं और टीवी का एंटेना होता है, छतरी होती है, वहाँ से जो कैमरे से टीवी तक वायर आता है, ये यही वायर है, ये वायर भी चल जाएगा और किसी की ज़रूरत नहीं, इतना वायर लेना है। तो ये वायर लेने के बाद तो बारी बारी ऐसे टच करना है, जो एलईडी खराब होगी देखो ये बंद हो रही है, जो स्टार्ट होगी ना वो डिम लाइट होगी तो भी बंद हो जाएगी। तो हर एक को इस तरीके से हमें चेक करना है, देखो ये खराब है तो जो खराब होगी वहां पर टच करने पर ये टच हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टच करने पर ये लाइट हो रही है, बराबर है। तो अब करना कुछ नहीं है, इसे हमें अच्छे से देख लेना है, कुछ देर के लिए आपकी आंखों में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने अभी ये चश्मा इसलिए ही पहना है, तो आप देख सकते हो ये वाली खराब है, यहाँ टच करने पर ये स्टार्ट हो रहा है, तो हमें इसे निकाल देना है। अब इसे याद रखना है, तो ये वाली खराब है,
तो ऐसे करने पर सिर्फ ये अपने आप निकल जाती है, आप देख सकते हो, बराबर है। और इसे सफ़ा कर लेना है, बड़ी आसानी से तो निकल जाएगी कोई भी चाकू लगाने पर। फिर क्या करना है, ये 60 रुपीज़ का शोल्डर मिलता है, अगर आपके घर में होगा ही नहीं है तो खरीद लो। और ये कलई आती है सिर्फ 10 रुपये की, तो ये 70 में आपका आ जाएगा, आप अनलिमिटेड बल्ब रिपेयर कर सकेंगे और भी बहुत सारे काम में आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें ये शोल्डर कर देना है, देख सकते हो हमने सोल्डर किया है, बराबर है ये। और ये स्टार्ट देखो, बराबर है, ये मेरा छुरी है, वहां पर आप देख सकते हो सोल्डर किया हुआ है। देखो ये एक लाइट नहीं है, सोल्डर है। तो देखो ये बल्ब स्टार्ट हो रहा है। जब हमने इसको निकाला होगा तो ये अच्छे से दोबारा फिट कभी नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। तो कुछ नहीं, कोई भी गम लेके आप किसी भी गम का इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा हल्के से इस तरीके से, जैसे इन लोगों ने चिपकाया था, ये चिपका हुआ चीज़ रहेगा तो उसकी वजह से ये अच्छे से काम नहीं करता है। हमें भी कुछ गम लेके इस तरीके से इसे चिपका कर कुछ देर पकड़ लेना है, तो बाद में ये कंपनी फिटिंग जैसा हो जाएगा। तो अच्छे से दबा के ये गम लगा के हमें पकड़ लेना है। तो ये चिपक गया है, आप देख सकते हो। अब मैं आपको एक बहुत काम की जानकारी देने वाला हूँ, सभी बल्ब रिपेयर भी नहीं होते हैं। जो हमने 9 LED वाला रिपेयर किया ना वो हो जाता है, 18 LED वाला जो आता है ना वो कभी भी रिपेयर नहीं होता है। उसमें कभी कभी एक IC गई होती है, कभी दो गई है, दोनों को भी सोल्डर करने पर भी वो बल्ब स्टार्ट नहीं होता है, चेक भी नहीं कर पाओगे। हमको पता चल जाएगा कि ये गई है लेकिन फिर भी हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आप भी ये मेहनत मत करना, मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर टेस्ट करने पर हमें पता चल जाएगा कि इसमें 2 IC गई है, क्योंकि 2 लाइट डिम भी नहीं हो रही है, जो लाइट शुरू है वो डिम लाइट होती है इसमें। तो ये जो 18 LED वाली आती है इसे गलती से भी कभी रिपेयर करने की कोशिश मत करो। इस तरीके की ज़्यादा LED वाली लाइट अपना टाइम बिगाड़ेगी लेकिन ये रिपेयर नहीं होती है दोस्तों। ऐसा मैंने 3 बल्ब में किया है फिर भी एक भी स्टार्ट नहीं हुआ है। LED पता चल गई थी यही ख़राब थी, क्योंकि बाकी सारी जल रही थी डिम लाइट में, ये 2 नहीं जल रही थी। पहले एक मिली बाद में दूसरी, फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो आप भी मेहनत मत करना।